हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनाएंगे जो कि बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये हेल्दी नाश्ता सभी के लिए है और हेल्दी नाश्ता किसे नहीं पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हेल्दी नाश्ता बनाते हैं। ये नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे मिक्सिंग बाउल। मिक्सिंग बाउल यहाँ पर मैंने ले लिया है। अब लेते हैं एक कप सूजी। सूजी आपके पास मोटी या बारीक कोई सा भी होगा, इस नाश्ते के लिए चलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक कप सूजी लिया है। सूजी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पर हम नमक थोड़ा सा डाल दे रहे हैं। इसी के साथ दही भी ले रहे हैं, तो दही कोई सा भी चलेगा, खट्टी नॉर्मल जो भी हो आपके पास वो चलेगा दही। तो यहाँ पर 2 चम्मच भर के मैंने दही डाल दिया है। दही नहीं है तो आपके पास नींबू का रस हो तो नींबू का रस डाल दीजिएगा। फिलहाल अभी थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम बढ़िया से मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जिस कप से सूजी लिया है गाइस, उसी कप से मैंने 1 कप पानी लिया है। पहले फिलहाल आधा कप पानी डालेंगे और आधा कप पानी डालने के बाद इसे बढ़िया से मिलाते हुए मिक्स कर लेना है। सूजी दही पानी को अच्छे से मिला लेना है। ज़रूरत लगेगी तो बाद में ही हम पानी डालेंगे। फिलहाल अभी आधा कप मैंने पानी डाल दिया है, इसे बढ़िया से मिला देते हैं। तो देखिए बढ़िया से मिक्स हो चुका है। तो अभी मैंने आधा कप पानी डाला है और आधा कप पानी मैंने बचा लिया है। तो इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ढककर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए आधा कप पानी अभी बचा हुआ है, तो इसे ज़रूरत लगेगी तो बाद में डालेंगे। फिलहाल अभी कवर करके इसे रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तो लीजिए 5 मिनट हो चुका है और सूजी हमारा काफ़ी अच्छे से पानी को अब्जॉर्ब कर चुका है, देख सकते हो। अब इसे दोबारा से मिलाते हुए मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ वेजीज ले रहे हैं। वेजीज में आपके पास जो भी हो वो आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 1 बड़ा साइज का प्याज ले लिया है और 1 बड़ी साइज की मैंने शिमला मिर्च ली है जिसे मैंने आधा काट के ले लिया है, और 2 हरी मिर्च लिया है। 2 हरी मिर्च का 1 मैंने रेड लिया है, 1 मैंने ग्रीन लिया है। अगर आपके पास ग्रीन हो तो ग्रीन ही डालिए, रेड है तो रेड, क्योंकि कलरफुल दिखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच प्याज और शिमला मिर्च को डाल दे रहे हैं, और हरी मिर्च और ग्रीन चिली दोनों ही डाल रहे हैं। और इसी के साथ थोड़े से वेजीज और लिए हैं। यहाँ पर मैंने गाजर लिया है, तो 2 बड़े चम्मच गाजर को भी डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने गाजर को ग्रेट करके लिया है। टमाटर को भी मैंने 1 बड़े साइज का काटा है जिसे मैंने 2 बड़े चम्मच ले लिया है, बारीक काट के ले लिया था। अब इसमें हम डालेंगे खूब सारा धनिया। यहाँ पर बारीक कटा हुआ धनिया ले लिया है, इसे भी मिलाते हुए थोड़ा सा बचा के रख देना है, और बाकी का हमें धनिया डाल देना है। अब इसे बढ़िया से हम मिलाएंगे। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मटर लिया है, फ्रोजन मटर है गाइस। अगर आपके पास फ्रोजन मटर नहीं है, ताजे मटर का इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा उबाल के इसे पानी निकाल के, इसका पानी मतलब सुखा के मटर हमको लेना है, पानी सहित नहीं लेना है। तो यहाँ पर मटर डालने के बाद इसे बढ़िया से हम मिलाते हुए मिक्स कर लेना है सभी को अच्छे से। वेजीज को हमें बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में मैंने लिया है 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लिया है गरम मसाला, और 1/2 छोटी चम्मच लेते हैं चाट मसाला। बहुत ही टेस्टी लगते हैं गाइस, एक बार जरूर से जरूर बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा ये नाश्ता सभी को पसंद आने वाला है। अब मसालों के साथ भी अच्छे से मिला लेते हैं ताकि हमारा मसाला अच्छे से इस बैटर में मिक्स हो जाए। तो लीजिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे इनो सॉल्ट। अगर आपके पास इनो सॉल्ट नहीं है तो आप इसकी जगह बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा 1/4 टीस्पून के करीब। यहाँ पर 1 पाउच मैंने लिया है बेकिंग, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर इनो सॉल्ट लिया है। इनो सॉल्ट डालने के बाद थोड़ा सा पानी मिक्स डालेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और बढ़िया से हमारे बैटर में मिलाते हुए इसे बढ़िया से मिक्स कर लेना है। इसे हमें बढ़िया से मिला लेना है। अब इसे हमें ढक कर सेट करने के लिए नहीं छोड़ना है, बस हमें फटाफट इस नाश्ते को बनाना है। थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है तो पानी और थोड़ा सा डाल रहे हैं। 1 कप में मैंने पूरा पानी डाल दिया है, 1 चम्मच के करीब मैंने बचा लिया है, यानी कि टोटल 1 कप पानी लग चुका है। थोड़ा सा मैंने बचाया हुआ है, बाकी का सारा पानी सूजी ऑब्जॉर्ब कर चुका है। ये देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है। तो बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो बढ़ते हैं गैस की तरफ। अब हमें इसे ढककर रखना नहीं है, बस फटाफट हम इस नाश्ते को बनाते हैं। तो बढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है, गैस का फ्लेम कर लेते हैं ऑन। अभी मैंने बहुत ही स्लो गैस किया है, मतलब कि बिल्कुल लो करके रखना है, और थोड़ा सा 1/2 छोटी चम्मच के करीब यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें थोड़ा सा सफ़ेद तिल भुड़क देंगे ऊपर से, उसके बाद इस पर बैटर फैलाएंगे जो बैटर मैंने तैयार किया है। आज
एक ही नाश्ते से मैं दो तरह के नाश्ते बनाना सिखाऊंगी गाइस। तो यहाँ पर पहले एक बना लेते हैं इस नाश्ते को। तो इसे जितना बैटर फैलाना, जैसे हम लोग पिज्जा फैलाते हैं, सॉरी गाइस, जिस तरह से पिज्जा का बेस होता है ना गाइस, उतना ही बड़ा, जो बड़े साइज का पिज्जा बेस होता है उतनी बड़े मैंने इस बेस को फैला लिया है। थोड़ा सा ठीक ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं रखना है, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए अच्छे से मैंने फैला दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा वेजीज डालेंगे, जो आपको पसंद हो वो आप वेजीज लीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा टमाटर और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च डाल दिया है, थोड़ा सा प्याज डाल के इसे बढ़िया से मिला देंगे। ऊपर से थोड़े से मटर डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा हम बुरक देंगे चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा अरगोनो ले रहे हैं, पिज्जा अरगोनो जो होता है ना गाइस, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी आता है गाइस, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसका। तो थोड़ा सा अरगोनो भी डाल देते हैं अच्छे से। तो लीजिए सभी चीज़ें मैंने बढ़िया से डाल दिया है। अब इसे कवर करके छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए, धीमी आँच पर पकने के लिए। तो 5 मिनट के बाद ही, तब तक हम दूसरा भी काम कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल भी मैं भूल गई थी, तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल दे रहे हैं। इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारा ये हो रहा है, एक और हम बना रहे हैं दूसरे तरीके के नाश्ते, जो कि पिज्जा वाला स्वाद देने वाला है गाइस। तो यहाँ पर मैं दूसरा छोटा सा पैन ली हूँ, इसमें भी बैटर को फैला देते हैं। इसमें मैं चीज़ डाल रही हूँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा गाइस, एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसे मैंने बढ़िया से फैला दिया है, ये देख सकते हो। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा वही चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा वेजीज जो मैंने काटा है अभी, प्याज और टमाटर, गाजर, इन सभी को डाल देना है पहले। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गाजर भी डाल देंगे। अब यहाँ पर चीज ले रहे हैं, चीज को हमें बढ़िया से डाल देना है। यहाँ पर मैं गो का जो पिज्जा चीज होता है ना गाइस, वही मैं ले रही हूँ। ये चीज बहुत ही टेस्टी आते हैं। बस चीज डालने के बाद थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल देंगे, थोड़े से अरगेनो डाल देंगे, ताकि पिज्जा वाला लुक आए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था गाइस, जब ये नाश्ते बनाए थे ना, बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद किए थे, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था गाइस। एक बार आप लोगों को पसंद आए तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा। तो आप लोग जरूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमी होना चाहिए, धीमी आँच पर इसे भी 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देते हैं। तो दोनों तरफ हमारा बन रहा है, एक तरफ तो मैं पिज्जा वाला स्वाद दे रही हूँ, एक तरफ मैं इस नाश्ते को। ये नाश्ता देखिए काफ़ी अच्छे से पक चुका है। थोड़ा सा इस तरह से पलटे के सहारे से मैं चेक कर लेना है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही बड़ा बनाया हूँ इसका, जो साइज है ना गाइस बहुत बड़ा है, तो थोड़ा डर लग रहा था इसे उठाने में। तो एक थाली लेंगे और इस तरह से हिला रहे हैं, देखिए बढ़िया से ये छूट रहा है, यानी कि पैन अच्छे से छोड़ रहा है। तो उठाने पर ये देख रहे हो फटने का चांस है, तो इसे हम इस तरह से उठाएंगे नहीं, बस इसे इसी तरह से छोड़ देना है। अब लेते हैं एक थाली और थाली पे हमें धीरे से पलट लेना है इस तरह से, और ये देखिए अब फिर से उलट के हमें पलट के हमें मतलब इस पैन में डाल देना है, और 4 से 5 मिनट के लिए इसे कवर करके छोड़ देते हैं धीमी आंच पे, ताकि ये इन ऊपर से और नीचे की तरफ दोनों से दोनों तरफ अच्छे से सिक जाए। इधर हमारा जो पिज्जा वाला है ना गाइस, ये तो अच्छे से पक चुका है, काफ़ी अच्छे से 6 से 7 मिनट इसे मैंने खोल के देखा है। तो ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है, यानी कि हमारा जो पिज्जा वाला ये नाश्ता है ना गाइस, बहुत ही अच्छे से पक चुका है। इसे निकाल लेते हैं पैन में से, इसे भी चेक कर ले रहे हैं। ये भी हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है गाइस, तो इसे हम देख रहे हैं उलट के। इसे भी हमें थाली के ही सहारे से उठाना है गाइस, अगर बड़ा बना रहे हो तो थाली के ही सहारे से उठाना है। और ये देखिए हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बना है गाइस। तो नीचे की तरफ से थोड़ा सा 1 मिनट पका लेंगे, खोल के पकाएंगे, ढककर नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट इसी तरह से हमें पका लेना है, ताकि नीचे की तरफ थोड़ा और सिक जाए और थोड़ी सी हल्की सी क्रंची हो जाए। और लीजिए हमारा ये भी नाश्ता तैयार है। गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद, इसे भी निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेट में, और ये देख सकते हो हमारा नाश्ता कितना यम्मी, कितना टेस्टी बना हुआ है गैस। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा ये नाश्ता बना है गैस। तो इसे हम काट के भी दिखा रहे हैं गैस। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और रेसिपी पसंद आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो इसे मैं काट के भी दिखा दे रही हूँ, बहुत ही टेस्टी यम्मी सा हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी है गाइस, और ये देख सकते हो कितना यम्मी है गाइस। और इस नाश्ते को भी मैं काट के दिखा दे रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी बना था, बच्चे हो या बड़े सभी बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। तो गाइस रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।